और दो मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है? एक नोडल प्लेन की बात कर रहा हूँ, सिंगल नोडल प्लेन। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हो वो सिर्फ एक नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? एक नोडल प्लेन की, है ना? एटॉमिक लेवल पे हमें कहाँ पे कितना मिली? एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक है पी जेड। यहाँ एक एक नोडल प्लेन है, आया ना? लेकिन मॉलिकुलर लेवल पे दो जगह है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यस और नो, और पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड क्वेश्चन बनेगा आगे, जहां पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को ओवरलैप किया जाएगा ऑर्बिटल के साथ इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और रॉन्ग, यस और नो, या हाउ मैनी करेक्ट और हाउ मैनी इनकरेक्ट या रॉन्ग। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर एक एक नोडल प्लेन है, यहां पर भी एक एक नोडल प्लेन है, लेकिन यहां पर क्या एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम मॉलिकुलर लेवल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक यही चीज दो नोडल प्लेन हो जाएंगे, आया ना? जिसमें से फिर एटॉमिक लेवल की बात करेंगे और मॉलिकुलर लेवल की बात करेंगे। एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तो पांच, और यहां बात कर रहे हैं तो एक छह, कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे? छह, आया ना? इसमें से पांच होंगे एटॉमिक में और एक होगा मॉलिकुलर लेवल, आया ना? और यहां पर फिर से बाई फर्केट करिए, एक है डी एक्स वाई डी वाई जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, नो। और यहां पर क्या हो जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया ना? और यहां पर आपने देखा था कल हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, यस और नो, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, आया ना? और यहाँ प्लस था तो फिर यहाँ माइनस था, हाँ? गलत बन गया ना कल की तरह? हाँ, 180 डिग्री का था, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया था, हाँ? ये दोनों, हाँ सॉरी, ये दोनों प्लस हो गए और ये दोनों माइनस, बहुत बढ़िया, 180 एंगल था, राइट ना? तो ये जो एक्चुअली मैंने पढ़ाया है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब जब दो टॉपिक को मिलके एक क्वेश्चन बनाया जाए, और ऐसा क्वेश्चन 100 में 1 आधा बच्चा करता है, जो कि क्या होता है, रैंक डिसाइडिंग होता है। पहली बात तो आपको ये आना चाहिए, फिर ये भी आना चाहिए, और फिर दोनों एक साथ याद आने चाहिए ना, राइट ना? तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है, सडनली सोच के देखिए, आपको अलग अलग नहीं याद है या याद है और ऐसा क्वेश्चन पहले से नहीं किया है, एकदम फ्रेश आया है क्वेश्चन, है ना? तब दिक्कत हो जाता है। चलिए, तो आप लोगों ने लिखा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिकुलर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज 1 नोडल प्लेन एंड पाई एंटी बॉन्डिंग हैज 2 नोडल प्लेन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये नोट में लिख लीजिएगा।